गोरैया कोठी विधानसभा क्षेत्र के रालोसपा उम्मीदवार सद्देव प्रसाद सिंह गंगा बाबा के स्थान पर पहुंचे और वहां पर माथा टेका। आपको बताते चले कि वर्तमान में विधायक भी हैं गोरैया कोठी से सद्देव प्रसाद सिंह और अब ये रालोसपा के उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा बाबा के स्थान पर पहुंचे सद्देव सिंह किस तरीके से माथा टेके, उसके बाद वहां के जो महंत हैं उनसे भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद महंत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के उम्मीदवार गोरैया कोठी विधानसभा क्षेत्र के सद्देव प्रसाद सिंह जो कि यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं, वो पहुँचे हुए हैं गंगा बाबा के स्थान पर आशीर्वाद लेने के लिए। आप देख सकते हैं सद्देव प्रसाद सिंह यहाँ पे बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं। चुनाव का माहौल है और उसको लेकर के डोर टू डोर इनका दौरा भी चल रहा है और इसी क्रम में पूजा पाठ करने के बाद जिस तरह से दशहरा का समय अभी चल रहा है उसके बाद से तमाम देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता भी इनके साथ हैं और उसके बाद से जो सद्देव सिंह जो है RLSP के ये उम्मीदवार हैं यहाँ से वो आए हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि उनके साथ बैठे हुए हैं, आशीर्वाद लिया जा रहा है क्योंकि अब चुनाव जो है बिल्कुल आप देखिए कि बाबा भी आशीर्वाद दे रहे हैं सद्देव प्रसाद सिंह को, तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे जिस तरीके से जो चुनाव के माहौल है और सद्देव सिंह का कहना है कि इस बार जो हमने काम किया है उसका मेहनताना लोगों से मांगने के लिए हम निकले हुए हैं और इसी को लेकर के हम बाबा से भी बात करेंगे, बाबा इस बार क्या होगा, आपके पास सद्देव जी आए हुए आशीर्वाद लेने के लिए। और कहा जाता है कि जो लोग बाबा को मानते हैं उस तरह की जो आस्था रखते हैं ऊपर वाले ईश्वर उनकी कामना भी पूर्ण करते हैं करेंगे, तो क्या हो सकता है सद्देव जी के साथ इस बार? सद्देव जी बहुत पुराने मेरे साथी रहे हैं, जयप्रकाशी आंदोलन के पहले से भी, और इनका मेरा घरेलू रिश्ता है। इनके हर कर्म के साथ और उस व्यक्ति को जो संघर्ष करता है ये भी उन्हीं में से हैं, मैं इनके साथ इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इनको आशीर्वाद अच्छे से दे दें। जी जी जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबा जो है आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि यह माना जाए कि आपके आशीर्वाद से सद्देव सिंह विजय प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे। हर संघर्ष करने वाला करता है कि ये हैं करेंगे। हाँ चलिए, तो बिल्कुल आपने देखा कि आशीर्वाद इन्होंने ले लिया है बाबा से, गंगा प्रसाद जो है वहाँ के स्थान पर आ चुके हैं और इसी तरीके से हम कुछ और जगहों पर चलेंगे और दिखाएंगे कि आज सद्देव सिंह किस तरीके से और किस अंदाज में लोगों से मिल रहे हैं और वोट लेने की अपील कर रहे हैं।